दोस्तों जय श्री राम। कल का दिन यानी 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में एक ऐसी दस्तक थी जो आगे आने वाले हजारों सालों तक, मैं कह रहा हूँ युगों युगों तक इस दिन को कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि कल राम मंदिर यानी अयोध्या राम मंदिर में हमारे राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, जिसे संपूर्ण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। दोस्तों आज के इस वीडियो में भव्य मंदिर राम मंदिर से जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में जानेंगे जहां पर ये प्रॉमिसिंग आ रहे हैं कि 1000 साल तक इस मंदिर की दीवारों को या फिर इस मंदिर को टस से मस नहीं होगी। वो मॉडर्न जमाना जहां पर 10 या 15 साल में ही दीवारें चरमराने लग जाती हैं, उस जमाने में 1000 साल की गारंटी दी जा रही। तो इस मंदिर से जुड़ी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि कैसे बनाया गया है, कितनी लागत है, क्या इसमें खास है जो इस मंदिर को इतना ज़्यादा लाइफ लॉन्ग स्ट्रांगनेस दे के जा रहा है, और भी इससे जुड़ी, इस भव्य मंदिर से जुड़ी बहुत सी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करने से पहले क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम लिखना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना जब काम पसंद आ जाए तब। दोस्तों इस भव्य मंदिर को 3 मंजिला पारंपरिक नगर स्टाइल में बनाया गया है, यानी 3-स्टोरी स्टाइल मंदिर में। मंदिर के निर्माण में राजस्थान के भरतपुर के जिले बंसी पहाड़पुत्र क्षेत्र की पहाड़ियों और मिर्जापुर के गुलाबी बलुआ पत्थर यानी पिंक सैंडस्टोन का उपयोग करा गया है। इसी के साथ राम मंदिर की नींव बनाने के लिए 2587 यानी 2587 क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी से इसको पूर्ण करा है, जिसमें से मुख्य हैं झांसी, बिठूरी, हल्दीघाटी, यमुनोत्री, चित्तौड़गढ़, स्वर्ण मंदिर और भी कई अन्य पवित्र स्थान। राम मंदिर को 1800 करोड़ की टोटल राशि पर बनाया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 71 एकड़ है, कुल चौड़ाई 250 फीट है और 161 फीट की इसकी ऊंचाई है। मंदिर में 390 स्तंभ हैं, जिसमें 46 द्वार यानी 46 गेट हैं और 5 मंडप हैं। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने 5 साल पुरानी राम लल्ला की मूर्ति को तैयार किया है, जो अब गर्भगृह में स्थापित है, जिसकी ऊंचाई है 51 इंच की, जिसका कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, जिसे पूरा किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एंड CM योगी आदित्यनाथ जी ने। विकलांगों और बुजुर्गों के लिए रैंप और लिफ्ट बनाई गई है। भक्तों के प्रवेश करने के लिए जो 32 सीढ़ियों वाला एक ऊंचा द्वार सेट करा गया है, जिसकी ऊंचाई है 16 फीट की। और इस भव्य मंदिर के पहले चरण पर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी सहित अन्य को मंदिर समर्पित किया गया, मतलब इन लोगों के भी मंदिर बनाए गए हैं। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करा गया है, जिसकी ऊंचाई है 21 फीट के आसपास। वाई ग्रेनाइट, अगर इसके बारे में भी आपको पता है तो ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया जाना, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 25,000 लोगों की क्षमता वाला पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर भी यानी तीर्थयात्री सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ तीर्थयात्री को चिकित्सा और लॉकर सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। कॉम्प्लेक्स एक अलग ब्लॉक बनाया जा रहा है, जहाँ पर स्नान क्षेत्र, वॉशरूम, वॉश बेसिन, ये सारी सुविधा भी मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग और सेट करते नजर आ रहे हैं, तो दैट्स वाई की इंटरेस्टिंग है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त सिक्योरिटी वाला इंतजाम करा गया है, क्योंकि कल के बाद अब जबरदस्त भीड़ होने वाली है। दोस्तों राम मंदिर में 390 स्तंभ यानी खंभों का इस्तेमाल करा गया है, जिसमें 16 से 28 देवताओं की मूर्तियां बनाई जा रही हैं उन प्रत्येक स्तंभ में, और प्रत्येक स्तंभ को एक ही कारीगर द्वारा तराशा जा रहा है, ताकि उसकी स्थिरता और स्ट्रांगनेस बनी रहे उन खंभों की, और पौराणिक आकृतियों की भी नकाशी उसमें जबरदस्त तरीके से करी जा रही है। प्रत्येक रामनवमी पर दोपहर 12 बजे दर्पण और लेंस की एक प्रणाली सूर्य की किरणों को रामलला की मूर्ति में माथे पर केंद्रित करेगी, जिसका पहला अभिषेक हमें 29 मार्च रामनवमी को देखने को मिलेगा। इस पूरी मैकेनिकल प्रोसेसिंग में ना कि बिजली का इस्तेमाल है, ना ही बैटरी का इस्तेमाल करा गया है। इसमें लोहे या स्टील का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करा गया है, पीतल का उपयोग करा गया है। दूसरा दोस्तों, मंदिर के निर्माण में किसी भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, ताकि मंदिर कम से कम 1000 साल तक अपनी स्थिति में बना रहे, 1000 साल तक लंबा चल सके। दैट्स वाई कि ये 1000 ईयर की जो प्रोमिसिंग करी जा रही है, जब मतलब पूरा नेचुरल तरीके से इसको बनाया गया है, इसलिए ना कोई लोहे, क्योंकि लोहे में भाई जंग लग जाती है, दैट्स वाई कि इसका इस्तेमाल नहीं करा है। अधिकतर पत्थरों का ही इस्तेमाल करा गया है, और जबरदस्त पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है। मंदिर को एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर परिक्रमा में बनाया गया है, जिसे परकोटा भी कहा जाता है, और परकोटा की परिधि पर देवी भगवती, भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान गणेश के 4 मंदिर हैं। भगवान हनुमान का मंदिर दक्षिण भुजा पर है और माँ अन्नपूर्णा का मंदिर उत्तरी भुजा पर है। तो भाई साहब, ये सारी चीज़ें इस भव्य मंदिर में समर्पित करी गई हैं। तो कल 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन पर, इतिहास के पन्ने पर ये सारी चीज़ें जुड़
चुकी है जो हजारों साल तक याद रखी जाएंगी। इससे जुड़ी और भी तथ्य हैं, उस पर डिटेलिंग वीडियो में आगे लाते रहूंगा। अगर इस वीडियो में मुझे ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला तब तो आपके लिए और भी, क्योंकि ये सब छोटे से माइनर से मेजर जो हैं इससे भी जुड़ी और डिटेलिंग में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, क्योंकि इस मंदिर में बहुत सी चीज़ें नहीं हुई हैं, रिपीटेड नहीं हुई हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं हुई हैं। और इस मॉडर्न टाइम पर जहाँ पर भाई हज़ार साल का प्रॉमिसिंग करा जा रहा है कि इस मंदिर की दीवारें टस से मस नहीं होंगी, तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी ऐसी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करा गया होगा इसकी स्ट्रांगनेस पे ध्यान रखने के लिए, इसकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए। दैट्स वाई कि इस पर बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।